नाजरीन आदाब, मैं हूं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची और अच्छी खबर सबसे पहले देख सकें। जस्टिस मारकंडे काटजू का एक और सनसनीखेज मजमून सामने आया। जस्टिस काटजू ने हिंदी को बंटवारे की जबान करार दिया। जस्टिस काटजू ने उर्दू जबान को कहा पढ़े लिखो की जबान। जस्टिस काटजू के मजमून पर कौमी सियासत में हंगामा। कुमार विश्वास ने जस्टिस काटजू को दिया जवाब। हिंदी दिवस पर जस्टिस काटजू ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। जस्टिस मारकंडे काटजू एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने बेबाक बयान के लिए मशहूर मकबूल जस्टिस काटजू ने इस मर्तबा हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी जबान को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने हिंदी जबान को तकसीम की जबान करार दिया है। ये पहला मौका है जब किसी ने मुल्क की तकसीम के लिए हिंदी जबान को कसूरवार ठहराया, वरना ये इल्ज़ाम अब तक सिर्फ उर्दू जबान पर ही लगता रहा है। उर्दू जबान को शुरू से तकसीम की जबान कहा जाता रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। ताहम अब ये इल्ज़ाम हिंदी जबान पर आयद किया गया है और इल्ज़ाम आयद करने वाली शख्सियत आलमी शोहरत याफ्ता है, यानी जस्टिस मारकंडे काटजू। जस्टिस काटजू ने गुज़िश्ता रोज़ एक मजमून लिखकर ये इल्ज़ाम आयद किया है और इसको कुमार विश्वास समेत कई अहम शख्सियात को टैग भी किया है। जस्टिस काटजू ने कहा है कि हिंदी अवामी जबान नहीं है। गौरतलब बात यह है कि जस्टिस काटजू उर्दू जबान को अवामी जबान मानते हैं और इसके मद्दा और शैदाई भी हैं। वो उर्दू जबान को न सिर्फ बोलना पसंद करते हैं बल्कि उर्दू में लिखना भी पसंद करते हैं। जस्टिस काटजू ने अपने मजमून में लिखा है, सच ये है कि हिंदी एक ख्याली तौर पर बनाई गई जबान है, यह आम आदमी की जबान नहीं है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के नाम निहाद हिंदी जबान बेल्ट में भी आम आदमी हिंदी का इस्तेमाल नहीं करता। हिंदी बेल्ट के शहरियों में आम आदमी हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी या खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली, मेवाड़ी, मारवाड़ी वगैरह जबान बोलते हैं। हिंदुस्तानी और हिंदी जबान में फ़र्क है। जैसे हिंदुस्तानी कहता है कि इधर देखिए, जबकि हिंदी जबान में कहा जाता है इधर अवलोकन कीजिए। आज आम आदमी कभी भी अवलोकन नहीं बोलेगा, वो कहता है देखिए। जस्टिस काटजू ने इसके बाद उर्दू जबान की तारीख पर रोशनी डाली है। उन्होंने अपने मजमून में मजीद लिखा है कि 1947 तक हिंदुस्तान के बड़े हलके में हिंदू, मुस्लिम, सिख और दीगर तबके के तालीम याफ्ता लोगों की जबान उर्दू ही थी, जबकि हिंदुस्तानी गैर तालीम याफ्ता आम आदमी की जबान थी। बरतानिया हुकूमत ने हिंदी को ख्याली तौर पर बनाया और इनके भारतेंदु हरीश चंद जैसे एजेंटों ने इसे हिंदुस्तान में फैलाया। भारतेंदु जैसे लोग अंग्रेज़ों के फूट डालो हुकूमत करो की पॉलिसी का हिस्सा थे। उन्होंने अपने मजमून में दावा करते हुए ये फैलाया है कि हिंदी हिंदुओं की और उर्दू मुस्लिमों की जबान है। जस्टिस मारकंडे काटजू के मजमून पर हिंदी के मारूफ कवि कुमार विश्वास ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, हे चिरमुख अतिसार व्याधि पीड़ित, अपनी अज्ञानोत्पादित अखंड अहमन्याताओं के इस अविरल मल प्रवाह में मेरे ट्विटर को अकारण टैग करने की इस नव निकृष्टा हेतु मैं श्राद्ध के प्रथम दिन आपके इस जन में असफल पदार्पण का विधान पूर्वक तर्पण करता हूँ, स्वीकार करें। बहरहाल जस्टिस काटजू ने जो बात कही है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो जबान बोली जा रही है वो हिंदी नहीं है बल्कि हिंदुस्तानी है या फिर उर्दू जबान है। यह हकीकत है कि अब हिंदी हमारी कौमी जबान हो गई है, लेकिन आज भी लोग इस जबान को नहीं बोलते बल्कि सादा जबान बोलते हैं जो हिंदी से काफ़ी दूर है। कुमार विश्वास ने जो जबान इस्तेमाल की है और ट्वीट किया है वो जबान आज नहीं बोली जा रही है। कुमार विश्वास हिंदी की कविता करते हैं, लेकिन उनका लब लहजा उर्दू वाला होता है और इसी से वो मकबूल भी हो रहे हैं। कुमार विश्वास ने जो ट्वीट किया है, जाहिर सी बात है
उसे न कोई समझ पाएगा और न कोई उसको बोल पाएगा। तो सवाल ये है कि वो इस ट्वीट के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं। बल्कि ऐसा लगता है कि जस्टिस कार्जू ने जो बात कही है उस पर कुमार विश्वास ने मोहर लगा दी है और ये साबित कर दिया है कि वाकई हिंदी जो है अवामी जबान नहीं है। हिंदी अवामी जबान बने, हिंदी हमारी कौमी जबान है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन हमें जो इसमें तब्दीली आ रही है उसको भी कबूल करना चाहिए। डॉक्टर नाथा खातून, रिजविक रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।